हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। 12 तक जाना है, लंबी है लड़ाई, लेकिन अपन ने भी कसम है ठानी कि अपन को फतेह करना ही है। जल्द से जल्द ये सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे इसके, और मैं याद भी कराते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो रहा है। जिसको अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता है वो केवल शुरुआत के 1-1.5 मिनट के अंदर में इसका आंसर बता देता हूँ, वहीं पर वीडियो एंड कर दिया करें। क्वेश्चन बता देता हूँ, वहीं पर वीडियो एंड कर दिया करें और नेक्स्ट वीडियो पर चले जाएँ स्ट्रेट अवे, क्योंकि अपने पास समय कम है। मैं नहीं चाहता आप पूरा वीडियो देखें जिनको आंसर पता है, और जिनको आंसर नहीं पता है उनको तो मैं समझा भी रहा हूं और याद भी करवा रहा हूं। तो ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेज ऑफ वेंडर और सप्लायर रेटिंग। अब ये रेटिंग क्या होती है सर? रेटिंग यानी कि अपन को बोला गया कि रेट करिएगा, यानी कि वो स्टार दीजिएगा, स्टार रेटिंग, 5 स्टार 4 स्टार। गूगल प्ले पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, स्टार देते हो, वही रेटिंग की बात हो रही है कि कोई भी वेंडर को अपन 4 स्टार दे रहे, 3 स्टार दे रहे, 2 स्टार। अच्छा, उसके पैरामीटर होते हैं, है ना, कि रेंडर दे उसको, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, टाइम डिलीवरी के अकॉर्डिंग, उसको उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके जो वे ऑफ कंडक्ट है या ट्रांसपोर्टेशन की क्विकनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, या कम्युनिकेशन सपोर्ट के अकॉर्डिंग, और आफ्टर सेल सर्विसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अपन उसको स्टार देते हैं और एक ओवरऑल उसकी रेटिंग आती है 10 out of 5, 10 out of 6, 10 out of 7। ये डिपेंड करता है कि 10 से आप रेटिंग कर रहे हो या 5 से कर रहे हो, डिपेंड ऑन द जो भी रेटिंग की प्रोसेस जिसने डिफाइन कर रखी है वो जिस हिसाब से दे रहा है। कंपनी टू कंपनी ये चीज़ें वेरी करती है। तो अब इसके एडवांटेज क्या है? अगर मुझे पता चल जाए कि मिस्टर पिंटू जो वेंडर हैं ये 3 स्टार के रेटिंग है इनकी, और जो चिंटू हैं उनकी 4.5 स्टार रेटिंग है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनको रेटिंग दी है 4.5 स्टार, यानी चिंटू जो है वो हमसे मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कि वो नेगोशिएशन कम करेंगे हमसे। क्यों? क्योंकि हमको उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर हमको उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए मिस्टर चिंटू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पिंटू को 3 स्टार मिले इसका मतलब हम इनसे ज़्यादा नेगोशिएशन कर सकते हैं, है ना, हमको इनकी कम रिक्वायरमेंट है। इट इज़ ओवरऑल गुड रेटिंग। अगर 1 स्टार है, 2nd स्टार है, तो हमको उनके साथ डील ही नहीं करना। समझ में आ गया ना? तो रेटिंग का ये बेसिक फंडा होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस यही हैं कि अपन को परफॉर्मेंस पता चल जाती है, मिस्टर चिंटू अच्छे हैं कि मिस्टर पिंटू अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको क्वालिटी इंप्रूवमेंट का पता चल जाता है कि क्वालिटी अच्छी रहती है कि किसकी क्वालिटी बढ़िया है, 3 स्टार वाले की कि 5 स्टार वाले की, क्योंकि हम ओवरऑल जज करना है ना, इसकी प्रोसेस अलग है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी एक अलग से क्वेश्चन बनते हैं। रिस्क को मिटिगेशन करते हैं, यानी रिस्क बढ़ जाती है, इससे कम कैसे हो जाती है रिस्क, क्योंकि हमको पता है कि अगर 1 स्टार रेटिंग से हमने लिया है प्रोडक्ट तो हमको उसकी क्वालिटी बार बार चेक करनी होगी, और अगर 5 स्टार रेटिंग वाले से बंदे से लिया है तो उसके क्वालिटी एश्योरेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर टर्म्स कंडीशन जितना भी हमारे अकॉर्डिंग हम उसकी रेटिंग दे रहे हैं, हम मार्केट के अकॉर्डिंग रेटिंग नहीं दे रहे, तो जो हमको ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी देगा, जो हमको कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, क्विक प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, उसकी कॉस्ट हमको कम होगी, है ना, या जो हमको कॉस्ट में कम अवेलेबल करा रहा है उसकी रेटिंग हम हाई देंगे, तो इससे हमको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी पता चल जाता है। क्लियर हो गया? सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ज़्यादा परेशान होने की कोई बातें नहीं है, लेकिन बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे इस सब्जेक्ट में। चलिए, अपन ने एक एक करके सारे क्वेश्चन उड़ाते हुए चल रहे हैं और आपको क्लियर करते हैं। सप्लायर कोलैबोरेशन, अब सप्लायर कोलैबोरेशन का कैसे होगा? जैसे कि मैंने किसी को 3 स्टार रेटिंग दी, दूसरे सप्लायर को भी 3 स्टार रेटिंग दी, और तीसरे को भी 3 स्टार रेटिंग दी, तो तीनों को 3 स्टार रेटिंग हुई, तो मेरे को पता है इस प्रोडक्ट के लिए ये 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी, तो मेरे पास कोलैबोरेशन हो गया। इन दोनों सप्लायर को भी अगर मैं ए से माल नहीं लाता तो मैं बी से बाय कर सकता हूँ, बी नहीं तो सी सही, तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। तो यहाँ पर सप्लायर का सिलेक्शन करने में भी अपन को हेल्प करता है, और डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, सोर्सिंग के डिसीजन, सोर्सिंग यानी कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोक्योरमेंट में खरीदारी होती है, सोर्सिंग में डिसीजन किया जाता है कि सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट दोनों एक ही प्रोसेस है वैसे ओवरऑल कहा जाए तो। सोर्सिंग के अंदर अपन का एक प्रोडक्ट फिक्स कर देते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट की एक सब एक्टिविटी है,
ठीक है, कंटिन्यूस सप्लायर इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी अगर हम रेटिंग देंगे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में मोदी साहब ने एक रेटिंग दी कि सूरत सबसे, अहमदाबाद सबसे, चंडीगढ़ सबसे साफ शहरों में, साफ सुथरे शहरों में, चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला या इंदौर को मिला था शायद, है ना, इंदौर को फर्स्ट रैंकिंग मिली थी, चार पाँच बार इंदौर को फर्स्ट रैंकिंग मिल चुकी है। तो इससे क्या होता है कि वो मोटिवेटेड होते हैं अच्छी रेटिंग लाने के लिए, अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए, और कंटिन्यूस इससे सप्लायर का भी इंप्रूवमेंट बढ़ता है, यानी कि बोथ पार्टीज को हेल्प होती है, सप्लायर को भी होती है और मैन्युफैक्चरर को भी होती है, ताकि उसको पता रहता है कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, अच्छे से सप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, हम उसको रिस्क को भी कम कर पाते हैं और उनके अदर ऑप्शंस भी क्रिएट कर पाते हैं। और कौन कौन से पॉइंट हैं, हाँ कॉस्ट हो गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में बात हो जाएगी, रिस्क हो जाएगी और परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा। यही चार पांच पॉइंट हैं। ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट्स बहुत ही प्यार से आपको आसानी से समझा दिए हैं। थोड़ा सा स्पीड मेरी फास्ट चल रही है, चलने का कारण क्योंकि कल एग्ज़ाम है, जल्द से जल्द ये सीरीज़ मेरे को कम्प्लीट करनी है। आगे वाले देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं और जल्दी ये सीरीज़ कम्प्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।